हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हो चुका है। अक्टूबर नवंबर में लेवल 6 गया, हालांकि एक ही आरआरबी का अभी तक नवंबर में गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 8 आरआरबी में 8 आरआरबी कहां तक आ गए हैं तो आप थोड़ा सा अगर जानना चाहेंगे तो सबसे पहले चेन्नई का आया था, उसके बाद आपका इलाहाबाद कह सकते हैं, उसके बाद आपका अहमदाबाद का आया था, और आज 2 आरआरबी का और आ चुका है। वो 2 आरआरबी हैं, एक बंगलुरु और दूसरा कह सकते हैं चंडीगढ़। बंगलुरु में वैकेंसी 899 थी, अच्छा खासा वैकेंसी था, इसके लिए ये कारण नवंबर में ब्लॉक डेट चला गया है। तो कुछ लोगों का सवाल ये भी आ रहा है कि ब्लॉक डेट क्यों दिया जाता है, तो देखिए हर कैंडिडेट को एक मौका दिया जाता है कि पहली बार आप नहीं टाइम से पहुँच पाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एग्ज़ाम नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ऐसे कैंडिडेट का है, कह सकते हैं कि कैंडिडेट अब बदल चुके हैं, लगभग लगभग इम्प्लाई कर्मचारी जिसको बोल सकते हैं ग्रुप सी में, और वो भी स्टेशन मास्टर के पोस्ट में। तो इनके एक मौका इसलिए दिया जाता है कि किसी कारण से आप, हो सकता है आपका कोई यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, कोई आपकी पर्सनल कारण हो, या कोई आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गए हुए हैं, या और कोई जेन्युइन ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण से, जेन्युइन मतलब टेक्निकली ऑन पेपर, जिसके कारण से आप पहले दिन जो आपको नोटिफाइड डेट दिया गया है उसमें नहीं ज्वाइन कर पाए, नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाए, नहीं पहुंच पाए, उनको दोबारा मौका दिया जाता है। और ये हमेशा होते रह रहा है, इस बार पहली बार नहीं, हर बार होता है। लेकिन अगर कोई ब्लॉक डेट पे भी नहीं जाता है तो आरआरबी समझता है कि वो कैंडिडेट इंटरेस्टेड नहीं है, उसके बाद कैंडिडेट कैंसिलेशन का लेटर निकाल देगा कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं है, एक चांस दिया, दो चांस दिया। अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि पहले चांस पे भी नहीं जा सकते, दूसरे पे भी नहीं जा सकते, तो इसका भी एक उपाय होता है, आरआरबी से डायरेक्ट आप उनसे टाइम लिमिट ले लीजिए कि मुझे कब चाहिए, या तो ईमेल के द्वारा या और कोई भी टेलीफोनिक माध्यम हो, या आरआरबी में बीच में समय में जाके, हो सकता है कि पहले डेट पे आप नहीं जा पा रहे हो, दूसरे डेट में भी नहीं जा पा रहे हो, तो बीच के कोई डेट में जाके आरआरबी के लिखित रूप से आप दे सकते हैं कि मुझे अभी ज्वाइनिंग करने में थोड़ी सी इशू है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको आरआरबी दोबारा टाइम दे देगा इसके लिए। तो चलिए जहाँ जहाँ नोटिस आया है पहले जल्दी जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या है, ज़्यादा कुछ इसमें बताने के लिए तो रहा नहीं है, लेकिन आप समझ लेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले बंगलुरु का मैं नोटिस खोल लिया हूँ, और नोटिस तो देखने से अच्छा है कि वेबसाइट पे देख लीजिए, तो वेबसाइट यहाँ पे हम खोल रखे हैं, अभी चंडीगढ़ है, बंगलुरु का भी आप यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ बंगलुरु का वेबसाइट है। बंगलुरु के वेबसाइट में 20 तारीख के डेट में अपडेट यहाँ हो गया है, 20/9/2022 को, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल एनटीपीसी का जारी हो चुका है। इस शेड्यूल को ओपन करेंगे तो आपके पास ये शेड्यूल आएगा, इस शेड्यूल में देखिएगा सारी चीज़ लिखा हुआ है क्या क्या लेके आना है, बाकी इससे डिटेल आपको आपके ई कॉल लेटर में आएगी। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी जाना पड़ेगा आपको, और मेडिकल एग्जामिनेशन जनरली आपको आई से रिलेटेड क्या क्या होगा, तो देयर इज ए यहाँ पे देखिए थोड़ा एक और लिखा हुआ है, देयर इज ए नो टू रूल आउट रिफ्रेक्टिव आई सर्जरी ETC वगैरह का चेक है, अच्छा चेक के लिए लिखा है। नेसेसरी फैसिलिटी अगर नहीं अवेलेबल रहेगा कहीं पे हॉस्पिटल में, तो आपको हॉस्पिटल से बाहर भी कराना पड़ेगा, ऐसा कहीं कहीं रहता है, मतलब आप पेमेंट लेबोरेटरी वगैरह से करा सकते हैं अलग से, वो सब रहता है, लिखा हुआ रहता है, बाकी आपके रिजल्ट का वही है। लेकिन अब नीचे में देखेंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 16 डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट में थोड़ा बहुत अगर इशू है, डेट में इशू है, वगैरह में इशू है, तो आप अफिडेविट बना के साथ में ले जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की शुरुआत हो रही है, यहाँ पे बड़ा लिस्ट है, 7/10 से तो शुरुआत हो रही है, 7/10, 8/10 एक ग्रुपिंग बना के सुबह शाम, इन्होंने सुबह मॉर्निंग आफ्टरनून वगैरह करके पूरा डिटेल दे दिया है, छुट्टी के दिन छोड़ के बाकी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले लिया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ओरिजिनल रूप से जो डेट है वो 28/10 तक का है, लेकिन अगर इन डेटों में से कोई कैंडिडेट किसी कारण से नहीं जा पाता है अपने डेट में, तो वो कैंडिडेट आप कब रिपोर्ट कर सकते हैं, उनके लिए इन्होंने दे दिया है ब्लॉक डेट 3/11 और 4/11 को, यानी नवंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ चुका है अभी, इसके बाद ही लेवल 5 का रिजल्ट आएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कंप्लीट होगा, और पहले कंप्लीट होने के बाद लेवल 6 के बाद
अंडरटेकिंग लिया जाएगा और उसके बाद आपका लेवल 5 का रिजल्ट जारी होगा। जो अंडरटेकिंग दे देंगे मेडिकल फिट हो जाएंगे, अंडरटेकिंग दे देंगे वो लेवल 6 के पोस्ट के लिए फ्रीज कर दिए जाएंगे, उनका नाम अब लेवल 5 वगैरह में नहीं आएगा। उसके बाद दूसरा आरआरबी की बात कर रहे हैं, दूसरा आरआरबी भी वेबसाइट पे देखेंगे तो यहाँ पे चंडीगढ़ दिखेगा। चंडीगढ़ में आप डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पे 21 तारीख के डेट में ही आज ही का अपडेट है। और इस अपडेट में अगर देखेंगे तो आपको सिंपल सी एक अपडेट में यहाँ पे 17/10 से 20/10 तक दिखेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। लेकिन अगर इसको निकालेंगे तो अंदर में ब्लॉक डेट वाला भी आएगा, 17 से 20 तो होगा ही, साथ साथ आपका ब्लॉक डेट का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हालांकि यहाँ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट डिले हो रहा है, हालांकि ये शेड्यूल के हिसाब से है। तो सबसे पहले 43 लोग हैं वो है कॉमर्शियल अप्रेंटिस वाले, उसके बाद स्टेशन मास्टर की शुरुआत यहाँ से हो रही है। और एक दिन में यहाँ पे अगर देख के रहे तो 59 कैंडिडेट नीचे से और ऊपर से, वो कैंडिडेट 17 तारीख को 59 और 43 कैंडिडेट को है। करीब करीब 100 लोगों का एक दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, 102 लोग दूसरे दिन, तीसरे दिन भी देखेंगे तो 102 लोग, चौथे दिन भी देखेंगे तो 99 लोग। उसके बाद 4 दिन के बाद बीच में गैप आ गया है और क्या क्या लेके जाना है वो लिखा हुआ है, क्या क्या करना है वो लेना है। उसके बाद इनकी ब्लॉक डेट 27 तारीख को होगा, तो ये 27/10/2022 को आपको एक और डेट दिया जा रहा है, जो 17 से 20 तक में 4 दिनों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पा रहे हैं, किसी कारण से उनको इशू है, उनकी रिपोर्ट के साथ कोई एग्ज़ाम हो, कोई यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, कोई ऐसा एविडेंट हो, कोई और चीज़ें होगा, तो आपको 27 को आपको रिपोर्ट करना है। और अगर 27 को नहीं रिपीट करते हैं तो आपकी कैंडिडेट कैंसिल कर दी जाएगी, ऊपर ही लिखा हुआ होगा कहीं पे, अगर आप नहीं जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आपकी कैंडिडेटचर कहीं लिखा होगा। वैलिड रीजन के साथ तो जाना है, अटेंड टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंसीडरेड सर वनली केसेज कैंडिडेट फाइनल डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा, दोबारा ना ई कॉल लेटर भी मिलेगा, इसी कॉल लेटर से आपको लेके पहुंचना है। तो कर सकते हैं एक बार आपको यहाँ पे एक चीज़, तो दो चीज़ें तीन चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही है। पहला चीज़ तो आ रही है कि पहला एक आरआरबी आपका मिल गया बंगलौर, जहाँ पे नवंबर में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला गया है, और अभी तक कितने 5 आरआरबी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल वेबसाइट पर आ चुका है। ब्लॉक डेट का आपको पता हो गया कि ब्लॉक डेट का मकसद क्या है, अगर ब्लॉक डेट में भी नहीं जा पा रहे हैं तो इसका उपाय वही है, आरआरबी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना। थैंक यू, धन्यवाद।